गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रिया राय फ्रॉम डेरियन पब्लिक स्कूल। अकॉर्डिंग टू आवर रूटीन टुडे इज ट्यूजडे, सो वी आर गोइंग टू रीड हिंदी पलक बुक क्लास वन। सो लेट्स स्टार्ट नाउ टुडेज टॉपिक, आओ वृक्ष लगाएं, लेसन नंबर 21। आओ वृक्ष लगाएं, हम हरियालीपन पाएं। हम वृक्ष लगेंगे ज़्यादा जब सुविधा खूब मिलेगी, तब जमकर तब बरसेंगे बादल, पाएंगे हम फल ही फल, नई खुशी होगी घर घर, गूंजेंगे चिड़ियों के स्वर, हरे भरे पेड़ों से सजकर यह धरती सुंदर हो जाएगी, पेड़ पौधों की हरियाली अशुद्ध हवा को निगल जाएगी। यानी इस पोयम का मतलब क्या है, आओ वृक्ष लगाएं हम हरे, अगर हमारे धरती पे वृक्ष नहीं रहेगा तो हमारी धरती पर हरियाली कहीं दिखेगी नहीं दिखेगी, इसलिए हमें हरियाली अगर चाहिए, हरियाली बढ़ानी है धरती पे, तो हमें वृक्ष लगाने पड़ेंगे। जब वृक्ष लगाएंगे तो हरियाली बढ़ेगी, फिर वो वृक्ष सूखेंगे तभी, देखिए वृक्ष हमें बहुत काम आते हैं, वो वृक्ष लगेंगे तो हरे रहेंगे तभी भी हमारे काम में आएंगे, सूखेंगे तभी भी हमारे काम आएंगे। मान लीजिए हरे हैं तो हमें फल फूल इत्यादि देंगे, ऑक्सीजन देंगे, और वो सूख जाएंगे तो फिर वो जलावन के काम में भी आ जाते हैं। तो वृक्ष लगेंगे ज़्यादा जब सुविधा खूब मिलेगी तब, ठीक है। वृक्षों को लगने से हमें सुविधा भी मिलती है, वृक्ष नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी, आप सबको पता है। जमकर तब बरसेंगे बादल, पाएंगे हम फल ही फल, जब बादल बरसेंगे तो फसल अच्छी होगी खेतों में, और बारिश कब होगी, जब पेड़ रहेंगे धरती पे, है ना। नई खुशी होगी घर घर, गूंजेंगे चिड़ियों के स्वर, हरे भरे पेड़ों से सजकर यह धरती सुंदर हो जाएगी, पेड़ पौधों की हरियाली शुद्ध हवा को निगल जाएगी। हरे भरे पेड़ों से सज के धरती, पेड़ पौधे लगाने से, हरियाली बनाने से हमारी धरती क्या होती है, सुंदर होगी। अशुद्ध जितना भी हवा है वो पेड़ ले लेता है और उसमें शुद्ध हवा देता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है, आप लोग सबको पता ही है। तो पेड़ लगाने से हमें बहुत फ़ायदा है और हमें पेड़ लगाना चाहिए। हमें एक तो कोशिश करनी चाहिए कि आपने हर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएं, ठीक है, आप लोग भी लगाइएगा। पर अपना मतलब फूलना फलना, गूंजना मतलब प्रतिध्वनित होना, अशुद्ध मतलब गंदी, खूब मतलब बहुत अधिक स्वर मतलब आवाज़ निकलना मतलब खा जाना, वर्ड मीनिंग है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं बुक वर्क की तरफ, घर घर में किन के स्वर गूंजेंगे। अभी उन लोगों ने पोयम में पढ़ा, घर घर में चिड़ियों के स्वर गूंजेंगे, हरे भरे पेड़ों से सजकर धरती कैसी हो जाएगी, गंदी होगी खराब होगी या सुंदर होगी, सुंदर होगी। आप प्रश्न के उत्तर लिखिए, हरियाली कैसे बढ़ाई जा सकती है, वृक्ष लगाकर हरियाली बढ़ाई जा सकती है। बादल के बरसने पर हम क्या पाएंगे, बादल के बरसने पर हम फल पाएंगे। यह धरती सुंदर कैसे बनेगी, पेड़ पौधे और हरियाली लगाने से, हरे भरे पौधों से सजकर धरती सुंदर बनेगी। बुक वर्क में ही है, पंक्तियाँ पूरी कीजिए। वृक्ष लगेंगे ज़्यादा जब सुविधा खूब मिलेगी, तब नई खुशी होगी घर घर, गूंजेंगे चिड़ियों के स्वर। अब कविता के अनुसार मिलान कीजिए, बादल जमकर क्या होते हैं, बरसेंगे, चिड़ियों के स्वर गूंजेंगे, धरती सुंदर बनेगी, फल ही फल पाएंगे और सुविधा खूब मिलेगी। अभी देखिए सबका बहुवचन लिखना है, पढ़िए और समझिए। खुशी का खुशियाँ, लकड़ी का लकड़ियाँ, हाँ, चाबी का चाबियाँ, नदी का नदियाँ, सब्जी का सब्जियाँ, खिड़की का खिड़की, यानी सबका बहुवचन यहाँ पे बनाया हुआ है। फिर तीन तीन शब्द लिखना है अक्षरों से, छ से क्षेत्र, क्षेत्रीय और क्षण, त्र से त्रस्त, त्रास और त्राता, ज्ञ से ज्ञान, ज्ञाप्ति और ज्ञान सागर, श्र से श्रद्धालु, श्रद्धा और श्रमिक। अब ये वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, जैसे वृक्ष गलत लिखा हुआ है सब, इसको सही करना है, वृक्ष हरियाली सवरना और निगलना, ठीक है, ये सब आपको करेक्ट करके लिखना है, सब गलत लिखा हुआ है। बाकी का बुक वर्क आप लोग फिल कर लीजिएगा, और ये पोएम भी आप लोगों को याद करें, बहुत अच्छी पोएम है, आप लोग इसको लर्न कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।